ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक बीमारी होती है, जिस वजह से वो लड़कियों से दूर रहता है। लेकिन जब उसकी बीमारी ठीक हो जाती है तो वो जॉनी सिंस बन जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लेट ब्लूमर, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक डॉक्टर पीटर को देखते हैं। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की को एक एडिक्शन थी। वो जिस भी लड़के को देखती थी इसके दिमाग में उसके साथ इंटीमेट होने के ख्याल आने लगते थे। पीटर उसे एक बुक देता है जो उसने खुद ही लिखी थी। तभी वो लड़की पीटर को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। पीटर इसे मना कर देता है। कुछ देर में पीटर अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसके दो दोस्त ल्यूक और रिच पहले से ही उसके घर पर बैठकर टीवी देख रहे। पीटर कहता है कि तुम दोनों यहीं रुकना, मैं आज मिशेल के घर जा रहा हूं, क्योंकि आज उसके घर में पार्टी है और उसने मुझे पार्टी में इन्वाइट किया है। कुछ देर में पीटर तैयार होकर मिशेल के घर चला जाता है। पार्टी में आने के बाद पीटर मिशेल के बॉयफ्रेंड चार्ली के पास जाता है। वो कॉल पर बात कर रहा था, इसीलिए वो पीटर को भाव नहीं देता। अब पीटर मिशेल के पास जाता है। मिशेल खाना बना रही थी। वो पीटर को खाना टेस्ट करने के लिए कहती है। जब पीटर खाना टेस्ट करता है तो पीटर को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोल लेनी चाहिए। ये बात सुनकर मिशेल हंसने लगती है। कुछ देर में पीटर अपने डैड के पास आता है, जहाँ उसे उसकी मॉम और उसके डैड मिलते हैं। मॉम पीटर की लिखी हुई बुक की तारीफ करती है। अब पीटर यहाँ से चला जाता है। पीटर के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि इस लड़के ने सेक्स से दूर रहने के लिए किताब लिखी है। आखिर ये खुद के साथ क्या करने वाला है, इसे लड़कियां भी नहीं पसंद है। अब पीटर अपने ऑफिस पहुंचता है। पीटर की बॉस कहती है कि तुम्हारी बुक सबसे ज्यादा सेल हुई है, इसी वजह से तुम्हारी एक कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है, तो तुम्हें उस इंटरव्यू में जाना होगा। अब पीटर फिर से अपने घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि मिशेल के घर के बाहर मिशेल का एक बॉयफ्रेंड खड़ा है। चार्ली कहता है कि अच्छा हुआ तुम किसी लड़की के साथ डेट नहीं कर रहे, तुम बहुत लकी हो। ये कहकर चार्ली यहाँ से चला जाता है। अब पीटर मिशेल के पास आता है तो वो देखता है कि मिशेल रो रही थी। वो कहती है कि चार्ली के होते हुए भी मैं हमेशा अकेला महसूस करती हूँ, वो मुझे कभी भी टाइम नहीं दे पाया, इसीलिए आज मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर मिशेल पीटर को गले लगा लेती है और उसे किस करने लगती है। अचानक से पीटर खड़ा हो जाता है और अपने सिर दर्द का बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर के पास ल्यूक और रिच आते हैं। वो पीटर को बास्केटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ मिशेल आती है। मिशेल कल रात के लिए पीटर को सॉरी कहती है। कुछ देर में पीटर बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। सभी दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच पीटर के प्राइवेट पार्ट पर फुटबॉल लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब हॉस्पिटल में नर्स उसका चेकअप करती है तो नर्स कहती है इट्स बॉल आर टू स्मॉल। ये देखकर सभी हैरान थे। कुछ देर में डॉक्टर पीटर की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रेन में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहा है। जब भी तुम किसी लड़की के करीब जाते हो तो तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज है। हम ऑपरेशन के थ्रू इस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। ये सुनकर पीटर बहुत खुश होता है। अगले दिन पीटर का ऑपरेशन था और पीटर ठीक हो जाता है। ये सब देखकर पीटर के फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। घर आने के बाद पीटर अपने बाथरूम में बैठकर एक बोल्ड मैगजीन देखकर इरेक्टाइल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो इरेक्टाइल नहीं हो पाता। कुछ देर में रिच और ल्यूक आते हैं। पीटर कहता है मेरे पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा। ल्यूक और रिच एक कॉल गर्ल को लेकर आते हैं। वो उसे कॉल गर्ल के साथ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी पीटर के पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा था। अगले दिन पीटर जब उठकर बाहर आता है तो पीटर के डैड देखते हैं पीटर के पेनिस में इरेक्शन आ गया है। ये देखकर पीटर के डैड बहुत खुश होते हैं। अब पीटर फिर से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसका दोस्त ल्यूक एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। पीटर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इस लड़की को देखकर पीटर को फिर से इरेक्शन हो जाता है, इसीलिए पीटर अपने हाथ से काम चलाता है। अब पीटर को इतना इरेक्शन हो रहा था कि वो हर बार बस अपने हाथ से काम चला रहा था। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें कहता है कि मुझे एक दिन में 3 बार करना पड़ रहा है। पीटर इस चीज से परेशान हो गया था, इसीलिए अगले दिन पीटर डॉक्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं हर वक्त बस हॉर्नी फील कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुमने 15 साल से कुछ नहीं किया है, इसीलिए ये चीज एकदम नॉर्मल है। रात में मिशेल पीटर के पास आती है और कहती है मुझे एक रेस्टोरेंट के कॉम्पिटिशन में जाना है। ये सुनकर पीटर अंदर से थोड़ा दुखी हो जाता है। अगले दिन जब पीटर गेम खेल रहा था तब पीटर को मिशेल का कॉल आता है। मिशेल पीटर से कहती है कि मुझे यहाँ एक लड़का मिला है, वो बहुत हैंडसम है, साथ में वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर पीटर कॉल कट कर देता है। अगले दिन पीटर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ वो इंटरव्यू दे रहा था। तब उसकी आवाज फटने लगती है।
इस चीज से पीटर परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्तों से मिलता है। रिच कहता है कि मेरी 22वीं मैरिज एनिवर्सरी है, मैं अपनी बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मेरे बच्चे के साथ रह सकते हो? इस बात के लिए पीटर मान जाता है। रात को पीटर को उसका पड़ोसी मिलता है। तुम्हें अलग अलग लड़कियों को ट्राई करना चाहिए, पीटर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। पड़ोसी कहता है कि हाँ ये सब नेचुरल है, तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पड़ोसी उसे कहता है कि जब तक मिशेल नहीं आ जाती तुम किसी और लड़की को ढूंढ लो। अगले दिन से पीटर टिंडर ज्वाइन कर लेता है और पोस्ट स्वाइप करने लगता है। पीटर को टिंडर में बहुत सारी लड़कियां मिलती है। वो अब अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये सब वो बहुत सारी लड़कियों के साथ कर रहा था। एक दिन जब वो अपने घर आ जाता है तो देखता है कि यहाँ चार्ली खड़ा है। चार्ली कहता है कि मैंने मिशेल को बहुत मिस किया, उससे बात करके अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। पीटर कहता है कि वो अभी यहाँ नहीं है। ये सुनकर वो मिशेल के लिए जो फूल लेकर आया था वो पीटर को दे देता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर में मिशेल आती है। मिशेल को लगता है कि ये फूल पीटर उसके लिए लेकर आया है। घर में आने के बाद पीटर मिशेल से कहता है कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? इसके लिए मिशेल हाँ कहती है। जब पीटर तैयार हो रहा था तब उसे रिच का कॉल आता है। रिच कहता है कि आज मेरी एनिवर्सरी है, तुम्हें मेरे घर आना है, मैं अपने बच्चों को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। पीटर कहता है कि आज मैं मिशेल के साथ डेट पर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। अगले सीन में पीटर मिशेल को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो एक एक्सपेंसिव टेबल बुक करता है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ रिच अपनी बीवी के साथ आ जाता है। रिच की बीवी कहती है कि ये टेबल हमने बुक की है। ये सुनकर मिशेल को बहुत गुस्सा आता है और मिशेल यहाँ से जाने लगती है। पीटर मिशेल को रोकने की भी कोशिश करता है। मिशेल उसे कहती है कि तुम मुझे अभी तक बस झूठी बोल रहे थे। अभी अभी मुझे चार्ली का मैसेज आया, वो फूल जो तुमने मुझे दिए थे वो चार्ली के थे, तुमने मुझे झूठ बोला। ये कहकर मिशेल यहाँ से चली जाती है। अगले दिन पीटर अपनी एक पेशेंट के साथ बैठा होता है। वो कहती है कि मुझे इंटीमेट होने का बहुत शौक है, मैं आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। पीटर भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने में लग जाता है। तभी वहाँ पीटर की बॉस आ जाती है। पीटर की बॉस उसे कहती है कि तुमने एक बुक लिखी थी जिसमें तुमने लिखा था कि हर किसी के साथ हमें इंटीमेट नहीं होना चाहिए, तुम कुछ देर पहले उसके एकदम अपोजिट कर रहे थे। ये कहकर वो पीटर को नौकरी से निकाल देती है। रात में पीटर अपने डैड के पास आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में ये सब होना नॉर्मल है, तुम्हें हर वक्त उर्जेस आएगी। मैंने भी एक बार तुम्हारी मॉम को धोखा दिया था, उसके बाद मैंने बहुत पछतावा किया। तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं रोकनी चाहिए, तुम्हें इस फीलिंग्स को जीतना होगा। तुम चाहो तो सभी लोगों के साथ इसके बारे में अपनी बुक के जरिए बता सकते हो। अगले दिन पीटर कहता है कि ये बुक मैंने लिखी है, पर मैं आज सभी को बता रहा हूँ कि ये बुक एकदम घटिया है, हमें कभी भी अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। वो कहता है कि पूरी फीलिंग्स में रहकर हमें अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहिए। इसके साथ ही पीटर फोरप्ले के बारे में भी बताता है। अगर आप भी पोगो देखते हैं तो एक बार फोरप्ले सर्च कर लेना, ये क्या होता है आपको पता चल जाएगा। कुछ देर में हम देखते हैं कि पीटर अपने दोस्त रिच के पास जाता है और इससे माफी मांगता है। वो मिशेल से कहता है कि मैं 30 साल का हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे पेनिस में कभी भी इरेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये सब गलतियाँ की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। चार्ली भी ये सब वहाँ बैठकर सुन रहा था। जब उसे गुस्सा आता है तो वो मिशेल चार्ली से कहती है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, शायद अब तुम्हें मेरी लाइफ से चले जाना चाहिए, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ। यहाँ मिशेल पीटर को माफ कर देती है और ये दोनों यहाँ किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशेल प्रेग्नेंट है। पीटर अब अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।